oh प्रारंभ है एक स्टेप है ये फिर उसके बाद वैसा एक्शन करना आपने सुना ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वस्तु जो है वो नीचे आ रही है क्यों आ रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप एक्शन में आएंगे और गुरुत्वाकर्षण भी तभी काम करेगा जब वो सेब वहां से एक्शन में आएगा या पत्ता एक्शन में आएगा सेब पेड़ पे लगा है उसको नहीं खींचेगा गुरुत्वाकर्षण जब वो वहां से टूटेगा जब वो एक्शन में आया वहां से कोई क्रिया शुरू हुई तब ये नियम काम करेगा तो हमें केवल सोचना इतना मात्र नहीं वो एक स्टेप है वो जरूरी है सोचना संकल्प लेना लेकिन उसके बाद फिर वैसा कर्म करना तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो तो जब व्यक्ति सात्विक सोचता है तो फिर वो वैसा सात्विक कर्म भी करता है उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं कि उसका हर कर्म फिर कैसा होगा पूजा जैसा ही होगा फिर और फिर उसको फल भी मिलेगा और जब व्यक्ति का चित्त भंग होता है तो उससे हर काम ऐसा होगा जो प्रॉपर नहीं होगा कोई भी काम उससे हड़बड़ाहट में कोई भी काम ठीक से होता नहीं है आप ब्रश भी करने जाएंगे तो वहां से ब्रश उठाएंगे चार चीजों को नीचे डाल देंगे वॉश नीचे गिर जाएगा टन क्लीनर नीचे गिर जाएगा साबुन नीचे गिर जाएगा क्यों क्योंकि आप हड़बड़ाहट में हैं। फिर उनको तीन को उठाएंगे तब तक ऊपर से दो चीजें और नीचे टॉवल नीचे गिर जाएगा तो इससे पता लग रहा है कि चित्त शांत नहीं है हड़बड़ाहट में काम वैसे ही बिगड़ेंगे तो वैसा ही फिर वो एक्शन हो गया ना आपसे रोंग एक्शन हो गया तो फल भी क्या मिलेगा फिर प्रसन्नता तो मिल नहीं सकती है उससे पहले आपका चित्त विचलित था फिर ये इतना सारा हड़बड़हट हुई ऊपर से सब चीज नीचे गिर गया अब और ज्यादा आप एक्शन में आएंगे रोंग एक्शन में आएंगे फिर कोई तीसरा काम करेंगे वो भी ऐसा ही होगा और फिर वो उसका एक प्रवाह बन जाता है जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं गेड़ पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे कि गेड़ बन जाता है गेड़ बंदने के बाद फिर व्यक्ति का काबू नहीं रखता है उसके ऊपर गेड़ कहते हैं प्रवाह को वो प्रवाह बहुत तीव्र हो जाए अब आप उसको एकदम से नहीं रोक सकते जैसे फैन चलता है और जब जैसे आपने स्विच ऑन किया तो उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर एक मिनट के बाद तो वो बहुत तीव्र प्रवाह पकड़ जाता है अब आप उसको हाथ से ऐसे पकड़ के रोकना चाहें तो हाथ ही कट जाएगा उंगलियां कटवा लोगे यदि रोकने की कोशिश की तो अब उसको रोका नहीं जा सकता अब वो एक क्रम से ही शांत होगा आप स्विच ऑफ कर दोगे तो भी वो तुरंत वो तुरंत प्रवाह नहीं रुकेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अब, तो एक बार कोई भी आदत कोई भी स्वभाव हमारा कुछ विचार करने का तरीका आपने थोड़ा ध्यान नहीं किया यदि तो फिर वो आपका एक प्रवाह बन जाएगा अब आप इसलिए तो बोलते हैं कि सुबह की शुरुआत कैसे करनी चाहिए मंत्र पाठ के साथ क्यों करनी चाहिए क्योंकि उस समय यदि आप शुभ विचार से शुरुआत नहीं करेंगे तो अशुभ से हो जाएगी होनी तो है ही किसी न किसी से अगर आपने प्रयास पूर्वक दैवी शक्तियों का या दिव्य शक्तियों का आह्वान नहीं किया तो दूसरी वाली शक्तियां तैयारी बैठी आने के लिए वो बिना बुलाई आएंगी दैवी शक्तियों को तो बुलाना पड़ता है प्रातर अग्निम इंद्रम इनको नहीं बुलाए तो दूसरी बिल्कुल तैयार बैठी वो अपने आप घुस जाती हैं और फिर वहां से यदि हमारी दिनचर्या असंतुलित हुई सुबह से तो फिर दोपहर तक आते आते तो पूरा एक प्रवाह बन जाएगा नेगेटिविटी का असुरत्व का उसके बाद फिर आपका वश नहीं चलेगा फिर आप जो भी काम करेंगे वो उल्टे ही होने हैं फिर आप सड़क पे जाएंगे तो भी आपको भीड़ मिलनी ही है फिर उस भीड़ में आप जितनी कोशिश करेंगे आगे निकलने की कहीं ना कहीं गाड़ी भिड़ाएंगे ही टक्कर लगेगी ही फिर उस टक्कर से बचने के लिए भागने की कोशिश करेंगे तो अगले एक कोर टक्कर मार देंगे फिर उससे बचने की कोशिश करेंगे तो आगे पुलिस पकड़ी लेगी आपको फिर पूरा वो ही होगा उस प्रवाह को फिर रोकने के लिए शांति ही एक साधन है तो इसलिए श्री राम हमें क्या बता रहे हैं कि जब इस तरह से बिना संकल्प किए कुछ ऐसा विघ्न आ जाए अच्छा कार्य करते हुए प्रारंभ किए हुए कार्य को रोकने के लिए कोई ऐसा विघ्न आ जाए तो दैवस्य कर्म निश्चित रूप से वो भाग्य का विधान है इसलिए उस समय क्या करना चाहिए धैर्य धारण करना चाहिए इसलिए धर्म का पहला लक्षण क्या बताया धैर्य क्योंकि उससे ही उसको रोका जा सकता है उस समय उस समय उद्विग्न होने से तो और ज्यादा काम बिगड़ ही जाते हैं और गांव की भाषा में कहें तो एक चुप सो सुख जब कोई ऐसी प्रतिकूलता हो तो एक ही गुण को धारण करने की आवश्यकता चुप रह जाओ वाणी से चुप रहेंगे तो बाहर के झगड़े झंझट मिट जाएंगे दूसरा व्यक्ति कितना बोलेगा और मन को यदि चुप कर लिया मन यदि चुप है तो बाहर कितने भी गालियों की हो हो रही है, बारिश हो रही है है बारिश तो भी आप बच जाएंगे तो चुप रहना। चुप रहना रहने का मतलब है धैर्य धारण करना श्री राम का मन भी चुप है वाणी भी चुप है लक्ष्मण जी की वाणी भी चुप नहीं है मन भी चुप नहीं है कौशल्या माता का वाणी तो चुप है मन चुप नहीं है लेकिन तो अलग अलग स्थिति तीनों दिखाई दे रही है ना एक ही परिस्थिति में अलग अलग दिखाई दे रही है सबकी चित्त की स्थिति कई कई की वाणी भी चुप नहीं है मन भी चुप नहीं है दोनों एक्शन में ऐसे ही लक्ष्मण जी का दशरथ जी की वाणी तो चुप है लेकिन मन चुप नहीं है मन में तो बहुत तूफान चल रहे हैं वाणी से तो कुछ बोल नहीं पा रहे बेचारे तो धर्म का लक्षण यह है कि उस समय अपने वाणी को भी चुप कर लें तो फिर बाहर के झगड़े मिट जाएंगे और मन यदि चुप करना आ गया जो कि मन की तपस्या का एक लक्षण बताया है मनोनिग्रह बताया ना और मौन भी बताया मन के ही तपस्या में आया मौनम मौनम आत्मविनिग्रह तो मन को चुप करना और अपने आप को वहां से हटा के कि किसी अन्य स्थान पे लगा लेना तो इन्होंने अपने मन को इस सिचुएशन से हटा करके सीधा भाग्य के साथ अटैच कर दिया ठीक है भाई जो है अपने ही किए हुए का मिल रहा है और चलो किसी को ये ना भी पता लगे कि अपने किए हुए का मिल रहा है या दूसरे की गलती का मिल रहा है ये निर्णय ना भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं अगर हमें दूसरे की गलती से मिल रहा है तो भी अभी वो तो आ आ ही गया ना सामने तो तो अब उसको ऐसे-ऐसे हाथ से हटाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो तो ही चुका है दुखम अनागत को तो हटाया जा सकता है पर जो आ चुका उसको क्या हटाएंगे तो इसलिए अब आए हुए के ऊपर हाथों से उसको धकेलना ये तो अपनी शक्ति का दुरुपयोगी करना है एक तरह से अब उस वो आ गया है अब तो शक्ति लगाओ उसको सहन करके उससे बाहर कैसे निकले जो आ चुका है उसको नहीं हटाया जा चुका क्योंकि वो तो प्राप्त हो ही चुका है तो इसलिए श्री राम अब इस घटना में कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उपस्थित हो चुका है निर्णय सुनाया जा चुका है और ये वहां से उनको प्रणाम करके आ चुके हैं तो इसलिए अब इसमें कैसे धैर्य पूर्वक इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए उसकी तरफ ये अपनी शक्ति लगाना चाहते हैं तो इसलिए कह रहे हैं माचे चे लक्ष्मण संतापम कारशी संताप मत करो मां संतापम कारशी लक्ष्म्या विपर्य माने जो लक्ष्मी मिलने वाली थी और उससे विपरीत हो गया लक्ष्मी मतलब राज्य लक्ष्मी जो राज्य मिल रहा था निष्कंटक उससे विपरीत मिल रहा है लक्ष्मी विपर्ये ये ये जो वनवास मिल रहा है इसके मिलने पर संतापम माँ लक्ष्मण लक्ष्मण संताप मत करो जो मिलने वाला था उससे विपरीत मिल रहा है उसको देख करके संताप मत करो क्योंकि राज्यम वनवासो वनवासो महोदय बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये जो चीजें हैं ये केवल विचार से ज्यादा ये महत्ता को महत्व को प्राप्त हो जाती हैं वस्तुएं, वरना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कोई व्यक्ति बादाम खा रहा है या चने खा रहा है एनर्जी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है या मूंगफली खा रहा है तीनों में बराबरी मिलेगी लगभग लगभग वो ही गुण है लेकिन वो विचार से फर्क पड़ता है कि इसको तो बादाम मिल रहा है और मेरे को चने मिल रहे हैं इसको अखरोट मिल रहे हैं बादाम मिल रहे मेरे को तो मूंगफली ही मिल रही है तो ये विचार जो है ये उसमें अंतर ले आएगा वस्तु में ज्यादा अंतर नहीं है और कंठ के नीचे उतरने के बाद तो सब एक ही, ही है बस जिह्वा से और कंठ तक इतना सा ही तो स्थान है यहां तक ही पता लगता है अच्छा बुरा खट्टा मीठा चटपटा रूखा सूखा ये सारा टेस्ट कहाँ तक है जहाँ तक जीववा है बस उसके नीचे तो कुछ नहीं पता है वैसा ही मीठा वैसा ही खट्टा तो ये कह रहे हैं राज्यम व वनवासुवा मेरे लिए इन सांसारिक उपलब्धियों का ज़्यादा महत्व नहीं है मुझे राज्य मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मैंने अपने आप को डिटैच करना सीख रखा है निर्लिप्त रहना मैंने सीख रखा है क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही निर्लिप्त है तो राज्य मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उसके सुख सुविधाओं में डूब जाऊंगा और बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा और वनवास मिला तो ऐसा नहीं है कि मैं हाई तो मचाने लगू राज्य वनवासो वन वनवासो महोदय मेरे लिए तो वनवास ही ज्यादा महान है बल्कि क्यों महान है साधना करने को मिलेगा कुंती माता ने भी ऐसे ही मांगा था बोले मेरे लिए तो प्रतिकूलताएं ही ज्यादा अच्छी हैं, क्यों अच्छी हैं? बोले उसमें आपको याद करना पड़ेगा कृष्ण से मांगा था ना तो आपकी स्मृति बनी रहेगी तो प्रतिकूलताएं ज्यादा अच्छी हैं, तो अनुकूलता आई तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि भगवान के अनुग्रह की स्मृति बनी रहेगी ये सब आपका अनुग्रह है मेरे अंदर तो कोई पात्रता थी नहीं प्रतिकूलता आई तो उससे भी अच्छा है तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी भगवान जी ये प्रतिकूलता आई है तो जरूर कोई ऐसा विधान रहा होगा मेरे कर्मों का लेकिन अब इसको सहन करने की शक्ति देना आ तो गया है ये जीवन में इसको सहना है मुझे तो दोनों में ही भगवान की स्मृति को बनाए रखना ये साधक का काम है तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि मेरे लिए दोनों एक ही हैं यदि राज्य मिलता तो भी मैं भगवान की शरणागति में ही रहता उनका धन्यवाद करता यदि वनवास मिल गया तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं और ज्यादा जा, आत्मोत्थान करूंगा तो वनवासो महोदय महान उदय महोदय का मतलब क्या है यहाँ पर यह वनवास है ये जीवन में महान उदय लाने वाला है और ज्यादा साधना करूंगा तो ये होता है साधक व्यक्ति का काम बदतर स्थिति में से कुछ बेहतर निकालना तो ये हम मनुष्यों से भी सीख सकते हैं श्री राम जैसे मनुष्यों से रामायण जी से सीख सकते हैं गीता से सीख सकते हैं महापुरुषों के जीवन से सीख सकते हैं कि बदतर स्थिति में से जो बेहतर निकाल ले वो शोरमा है भरी मार्केट में जाते हुए अपनी गाड़ी को कोई टच ना होने दे इधर उधर ये उस ड्राइवर की कुशलता है खाली गलियारे में तो कोई भी सीखने वाला व्यक्ति भी चला ही लेता है ना जब सीखना प्रारंभ करते हैं गाड़ी चलाना ड्राइविंग सीखते हैं तब तो तब कहाँ चलाते हैं किसी ऐसे खुले रास्ते में चलाते हैं जहाँ टच होने के चांस नहीं होते तो वहाँ पर तो सीख तड़ व्यक्ति भी चला ही लेगा सीख तड़ मतलब जिसने अभी अभी, अभी चलाना शुरू किया है कुशल कौन है जब बहुत भीड़ में से कुशलता पूर्वक बाहर निकल जाए वो कुशल है तो जीवन में सारी सुविधाएं हो और उस समय कोई आदमी आगे बढ़ जाए तो इसमें तो कोई बड़ाई है ही नहीं सारी अनुकूलताएं थी सामने बहादुरी तो तब है जब अनेक प्रतिकूलताओं के बीच में से अपने आप को निकाल के व्यक्ति ऐसे सूरज की तरह से आसमान में चढ़ जाए नक्षत्र की तरह चमके उसका जीवन प्रतिकूलताओं से निकल के ये उस व्यक्ति की महानता और ज्यादातर महापुरुष ऐसे ही हुए अनुकूलताओं में बहुत कम महापुरुष आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि जो हमारे को जो सुख सुविधाएं मिलनी थी वो तो हमें पहले ही मिल गई तो अब पुरुषार्थ किसके लिए करें और जिसको नहीं मिली उसने सोचा कि हम अपने पुरुषार्थ से उसको प्राप्त करेंगे और उन्होंने प्राप्त किया अपने तब से तो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए वनवास तो महान उदय का अवसर है वहां रहूंगा और ज्यादा साधना करूंगा हो सकता है कि ये भगवान की ही कृपा हो अगर मैं यहाँ राज्य को प्राप्त करके अयोध्या में रहता तो हो सकता है राज्य के सुखों को भोगते हुए शायद मैं अपनी साधना उतनी तीव्रता से नहीं कर पाता तो भगवान ने ही मेरे आत्म उद्धार के लिए शायद ये परिस्थितियां उपस्थित की हैं मेरे जीवन में पंछियों को देखो कूड़े में बैठ करके और हम स, जो कचरा डालते हैं कूड़ा डालते हैं उसमें से वो निकाल के कुछ खाते हैं कुछ दाने निकाल लेते हैं उसमें से या कोई भी खाद्य पदार्थ जो हमने फेंक दिया था कूड़े में वो कूड़े को नहीं खाते हैं उसमें से कोई छोटा सा भी नन्हा सा भी उनको दाना मिल जाए खाद्य पदार्थ मिल जाए तो इतनी सूक्ष्मता से उसमें से ढूंढ के उस अच्छी वाली चीज को निकाल लेते हैं। तो ये पंछी से सीख सकते हैं हम बुरी परिस्थितियों में से भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना तो ऐसे श्री राम कह रहे हैं वनवासो महोदय रामे तु लक्ष्मणोग्रजम अब्रवीत अस्थाने संभ्रमो जातो वैसु महानयम अब लक्ष्मण जी का चित्त है वो बिल्कुल एक अलग ट्रैक के ऊपर चल रहा है तो उनको ये सब बातें कैसी लग रही हैं कायरता की मालूम पड़ती और ऐसे होता है उपदेश जो है वो किन के लिए हैं ये सारे उपदेश वेद के दर्शन के उपनिषदों के गीता के रामायण के या कुछ महापुरुषों के अपने जीवन के अनुभव अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे उपदेश किन के लिए हैं जिनका चित्त श्रद्धा से भरा हुआ है और जिनको ललक है आगे बढ़ने की वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से कुछ अच्छा क्यों ना मिल जाए हमें ये नहीं देखना है कि वो बताने वाला व्यक्ति कैसा है या वो बताने वाली पुस्तक कैसी है हमें ये देखना है कि वो मेरे किसी काम का है कि नहीं है पहले लोग फोन आदि तो थे नहीं तो चिट्ठी से पत्र व्यवहार होते थे तो जो चिट्ठी आती है उसमें व्यक्ति डाकिए की सकल सूरत देखेगा कि चिट्ठी को देखेगा वो देखते देख, कहाँ से आई है ये चिट्ठी बस अब वो देने वाला काला है गोरा है नाटा है छोटा है मोटा है कैसा वो देखेगा भी नहीं उसकी तरफ भाई इसका इसलिए धन्यवाद इसने चिट्ठी ला के दे दी मेरे पिता की मेरे पुत्र की किसी की भी भाई की तो महत्वपूर्ण ये है कि कोई अच्छा मैसेज हमें कहाँ से मिल गया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है ना वो किस व्यक्ति ने दिया उसको क्या देखना है फोन आता है तो उस पर आता था पहले लैंडलाइन के ऊपर तो वो जो एक बॉक्स है फोन का उसका कलर लाल है कि काला है या उसकी थोड़ी सी वो पेंटिंग उखड़ी हुई है इसको व्यक्ति देखेगा या फोन को सुनेगा किसका फोन आया है उसकी दृष्टि फोन पे होती है किसका फोन आया अगर उसके किसी प्रिय व्यक्ति का फोन आया तो बॉक्स को थोड़ी देख करके झुंझलाएगा कि फोन तो मेरे प्रिय व्यक्ति का है पर ये बॉक्स इतना खराब क्यों है इसका कलर ऐसा क्यों है ऐसे थोड़ी देखेगा वो तो अच्छा हमें कहीं से भी मिले पर हम तब अच्छे को नहीं अपनाते हैं जब हमारे चित्त की ऐसी स्थिति नहीं होती है हमारे आप अपने चित्त की स्थिति जब विचलित होती है तो फिर हम बाहर की अच्छी चीज़ें भी हमें अच्छी नहीं लगती हैं इसलिए लक्ष्मण श्री राम के प्रति यद्यपि अनन्य श्रद्धा रखते हैं लेकिन इस समय क्योंकि उनके खुद के चित्त की स्थिति शांत नहीं है उद्विग्न है वो इसलिए उनको श्री राम के वाक्य भी अच्छे नहीं लग रहे हैं वैसे तो राम से प्रीति करते हैं लेकिन राम की इन बातों को सुन करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं राम की बातों को हम सब के चित्त की स्थिति ऐसी ही होती है एक आग्रह चित्त को लेकर ले के हम रहते हैं जैसे किसी के चित्त में कोई ऐसी चीज आ गई तो मैं उसको कितना भी समझाऊं वो अपने वाली बात को ही बार बार कहता है उसको कितना भी समझाए सुनते नहीं अगर मेरे चित्त की स्थिति ऐसी है मैंने एक आग्रह बना लिया आपके प्रति अब आप मेरे को कितनी भी बात बताई जाओ जी जी मेरे घर में ऐसे है ऐसे है ऐसे है जाना पड़ेगा बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आएगी वो स्थिति क्योंकि हम एक अपने चित्त का जो आग्रह बना लेते हैं ना फिर हम बस वो ही सुनना चाहते हैं और उसी को पसंद करते हैं उससे अन्य हम सुनना चाहते भी नहीं है और सुना दिया जाए तो उसको पसंद करते भी नहीं है तो कितना भी अच्छा उपदेश क्यों ना चले यहाँ पर की स्थिति तो बदलती नहीं है व्यक्ति की क्योंकि उसने चाहा ही नहीं बदलना तो यहां लक्ष्मण को इतना लंबा चौड़ा इतना सुंदर उपदेश दिया इन्होंने एक एक श्लोक अपने आप में एक एक दर्शन ग्रंथ है लेकिन ये कह रहे हैं इति ब्रुवती रामे तो राम के ऐसे कहे जाने पर जब वो ऐसे कह रही थे ऐसे कहते हुए श्री राम को लक्ष्मण अग्रजम अब्रवीत अपने बड़े भाई से लक्ष्मण ने ऐसे कहा अस्थाने संभ्रमो अपने भाई को कह रहे हैं आपका अस्थान में भ्रम हो रहा है अस्थान मतलब भाग्य की आप इतनी गाथाएं गाए जा रहे हैं ये इस समय आपको भाग्य की गाथा गाने का अवसर नहीं है अस्थाने मतलब ये उचित स्थान नहीं है भाग्य की प्रशंसा करने का इस समय तो पुरुषार्थ की प्रशंसा करनी चाहिए आपको धनुष उठाओ अपना अस्थाने संभ्रमो यस्य जात जिसको अस्थान पे संभ्रम हो गया है अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वही सुमहान अयम सुमहान अयम संभ्रम जाता महान ब्रह्म में डूब गए हैं आप ऐसे अपने भाई को कह रहे हैं सु महान अयम संभ्रमो अस्थाने इस स्थान में आपको भाग्य की इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि विपरीत परिस्थिति में ही तो शूरमाओं को शोभा देता है कि वो अपने हथियार उठाएं और उस भाग्य को पराजित कर दें तो ये पुरुषार्थी व्यक्ति की पहचान है ये पराक्रमी व्यक्ति की उत्साही व्यक्ति की पहचान है इस तरह के उपदेश देना ये आपको उचित नहीं है जैसे लक्ष्मण इन्होंने अर्जुन ने भी तो ऐसे ही कहा था श्री कृष्ण से कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे सामने और फिर मेरे को घोर युद्ध कर्म में आप जोट दे रहे हैं युद्ध करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं सांख्य की योग की बड़ी बड़ी बातें और फिर वापस श्री कृष्ण भी अर्जुन को ऐसे ही कह रहे हैं कृष्ण ने अर्जुन को बताया जब अर्जुन कह रहे हैं इससे अच्छा तो मैं भिक्षा ही मांग के खा लूंगा ये इतना बड़ा युद्ध मैं कभी नहीं करूंगा तो उन्होंने कहा कि आप वीरता की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं युद्ध की बातें करते हैं और अभी आप उल्टा मेरे को उपदेश दे रहे हैं तो ऐसे ही होता है तो यहाँ लक्ष्मण भी क्या कह रहे हैं कि ये आपको एक महान भ्रम उपस्थित हो गया लगता है आप आपके अंदर जरूर कोई कायरता का बीज आ गया इसलिए आपके मन में ये सुमहान भ्रम उत्पन्न हो गया अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वै सुमहान अयम यथा दैव अरम शौंडीर क्षत्रिय क्षत्रियर्षभ किम नाम कृपण दैव अशक्त अभिशंससी अपने भाई को कह रहे हैं हे शौंडीर शौंडीर मतलब पराक्रमी क्षत्रियर्षभ शौंडीर क्षत्रियों के भूषण श्रेष्ठ क्षत्रियो में हे बलवान पराक्रमी यथा असौ्यम देवम आप जो अबलवान भाग्य क्या है और मनुष्य क्या है उससे बलवान क्योंकि भाग्य को बनाने वाला कौन है मनुष्य है तो बनाने वाला ज्यादा बलवान होता है कि बना हुआ ज्यादा बलवान होता है बनाने वाला ज्यादा होता है तो कह रहे हैं ये भाग्य तो मनुष्य ने बनाया है ना इसलिए भाग्य हमारे से बलवान नहीं है बल्कि आत्मा भाग्य से ज्यादा बलवान है इसलिए कहा देवम जो बलवान नहीं है ऐसे अबलवान देव को किम नाम है कृपणम देवम ये भाग्य नाम का जो देव है ये कैसा है कृपण अशक्तम और ऐसे कृपण अशक्त देव को अभिशंस आप उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं आप ये भाग्य का खेल है ये समय का है इसको टाला नहीं जा सकता इस तरह की बातें आप कर रहे हैं इतने बलवान होकर के क्षत्रिय श्रेष्ठ होकर के क्षत्रियो में कोई आपका सानी नहीं है और असमय के ऊपर यदि तो कहीं कोई कथा प्रवचन चल रहा होता और उस समय आप ये बात कहते तो भी समझ में आती जीवन में इतना बड़ा एक प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो गया है और आप यहाँ पर भाग्य का उपदेश दे रहे हैं भाग्य की प्रशंसा किए जा रहे हैं अशक्तम क्योंकि भाग्य पुरुषार्थ के सामने क्या है अशक्त कमजोर ऐसे कायर कमजोर भाग्य की आप इतनी अभिशंससी प्रशंसा किए जा रहे हैं ये इस समय उचित नहीं है इस समय तो वीरों को क्या उचित है युद्ध का आह्वान करना विक्लवो वी वीर्यहीनो यः स दैवम् अनुवर्तते वीरासम्भावितात्मानो न दैवं पर्युपासते देवं पुरुषकारेण यः समर्थप्रबाधितुं न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सो वसीदति द्रक्षन्ति त्वद्यदैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दिवोरद व्यक्त व्यक्तिर्भवष्य अद्य मौरुषप दीव द्रक्षति वै जनाहतृष्टम राज्याभिसेचनम शोभा विमौबा न धनुर्भूषणा मे नासराबंधनार्थय न शरा स्तंभ हेतव विकलब वीर्यहीन यह सदेव अनुवर्तते जो देव कैसा है विक्लब जो कायर है वीर्य जो पराक्रम से हीन है ऐसे देव को अनुवर्तते आप उसका अनुवर्तन कर रहे हैं जिस भाग्य में कोई पराक्रम नहीं है जिस भाग्य देवता का जिसमें कायरता है क्योंकि दैव दैव ऐसे पुकारना ये का पुरुषों का काम है जो भाग्य में है वो होगा उसको टाला नहीं जा सकता है ऐसे ऐसे बोलना तो कायर पुरुषों की भाषा है वी क्लबो, यह वो व्यक्ति स्वयं भी पौरुषहीन है वीरहीन है जो दैवम अनुवर्तते जो भाग्य का अनुवर्तन करता है भाग्य के पीछे पीछे चलता है उस व्यक्ति को ही कायर कमजोर बुजदिल बताया गया है वीरा संभावित आत्मनो न दैवम पर जो धीर पुरुष होते हैं जो वीर पुरुष होते हैं संभावित आत्मन जो अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं जो अपने आप को संभावित आत्मा अपने आप से अपना भाग्य बनाना जान जानते हैं अपने पराक्रम से भाग्य को पराजित कर देना जानते हैं वे दैवम न पर्युपास भाग्य की उपासना नहीं करते वो भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं जो महापुरुष होते हैं ये उपदेश कौन दे रहे हैं लक्ष्मण जी किसको दे रहे हैं राम जी को तो कभी कभी ऐसे भी होता है क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है उनको किस समय क्या निर्णय लेना है तो कभी कभी उनका निर्णय सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है वे उनके उस निर्णय को भी एक कायरता समझ लेते हैं। और वो उनको भी उपदेश देने लग जाते हैं जो उनके पासिंग में भी नहीं होते हैं। खैर लक्ष्मण तो बहुत बड़े महापुरुष हैं लेकिन मेरे को याद है जब चार जून की घटना घटी थी आंदोलन करते समय कितने कार्यकर्ता महाराज जी को ही उपदेश देते थे तो ऐसी परिस्थिति आती है कभी कभी जीवन में कि हमारे को जो हमारे से बल में हमारे पासिंग में भी नहीं है वो लोग उपदेश देने लगते हैं उस समय जब जीवन की कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आती है और अगला व्यक्ति क्या समझ करके वो निर्णय ले रहा है उसका क्या विजन है उसको क्या करना चाहिए क्योंकि हमेशा आर-पार का झगड़ा करना यही पुरुषार्थ की पहचान नहीं होती है देश काल परिस्थिति को देख करके किस समय स्पीड को आगे बढ़ाना है किस समय बैक गियर लगाना है क्योंकि शेर को भी जब लंबी छलांग लगानी होती है ना तो वो दो चार कदम पीछे हटता है पहले बैक गियर लगाता है तब जा कर के वो छलांग लगाता है और उस समय जब वो पीछे कदम हटा रहा होता है उस समय कोई शेर को कायर समझे अरे क्या तो ये तो उसको पता है ना क्योंकि उसको कितनी ज्यादा लंबी छलांग लगानी है इसलिए वो पीछे अपने कदम हटा रहा है तो जीवन में कभी कभी पीछे कदम हटाना भी विजय का ही संकेत होता है वो कायरता का संकेत नहीं होता है तो महापुरुषों की बातें महापुरुष ही ज्यादा जानते हैं तो ये प्रसंग अभी आगे चल रहा है श्री राम इसका क्या उत्तर देंगे ये हम कल पढ़ेंगे आज यही विराम लेते शान्तिशान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः